नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास का तीसरा अध्याय सुनाएंगे। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है, फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बैन के पुत्र राजा प्रतु ने प्रश्न के उत्तर में देवऋषि नारद से प्रश्न किया था, और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि कोई ऐसी दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाएं, तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाए जाते हुए भैंसे उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा, तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद अर्ध आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अव्रत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना
और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन दाने की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए।